महत्वपूर्ण चैप्टर है इंद्रियां। क्या है ये इंद्रियां? देखो इंद्रियों को हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जैन की परिभाषा है। जैन किसे कहते हैं? मालूम जैन किसे कहते हैं? जो जैन साहब कहलाते हैं वो सब जैन। हमारे पिताजी जैन, हमारे माता जी जैन, तो ये जैन की परिभाषा नहीं है। जैन कुल में पैदा हो जाने से कोई जैन नहीं होता, सबसे पहला नियम। जैन धर्म कोई संप्रदाय वाला धर्म नहीं है, कुल की अपेक्षा वाला धर्म नहीं। जैन धर्म तो वास्तव में जो जिन धर्म के सिद्धांतों को मानता है वो है। देखो जितने भी नाम पढ़े ना, ये सारे सार्थक नाम है। मैंने जो अन्य बता दूंगा कि जो नाम है, जैसे वैष्णव कहते हैं ना, वैष्णव, वैष्णव किसे कहते हैं? जो विष्णु का अनुयायी है उसे वैष्णव कहते हैं। जो बुद्ध का अनुयायी है उसे क्या कहते हैं? बौद्ध। जो शिव का अनुयायी है शैव। जो महेश का अनुयायी है माहेश्वरी। जो ब्रह्म का अनुयायी है ब्राह्मण। इसे सब नाम है। ऐसे ही जैन किसे कहेंगे? जो जिनका अनुयायी है सो जैन है। किसका अनुयायी होना चाहिए? जिनका। जिनका मतलब किनका? जिनका। जिन किसे कहते हैं? जिनका अनुयायी सो तो जैन। जिनका अनुयायी मतलब अपन सभी अपने आप को कहते हैं कि हम जिनके अनुयायी है। जिन माने जिनेंद्र भगवान, तो जिनेंद्र भगवान के अनुयायी तो हम सब अपने आप को कहते हैं। लेकिन हम पूछे किसी से कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है, जिनेंद्र भगवान का मार्ग क्या है, वो हमको नहीं मालूम। ऐसे कैसे अनुयायी है कि जिसको उनकी शिक्षा ही नहीं मालूम है, उनका मार्ग नहीं मालूम है, वो कैसे अनुयायी? जो वास्तव में उनके बताए हुए मार्ग पर चले और उस मार्ग को जानता है, सच्चा जैन तो वो है। क्या? जिनकी आज्ञा को माने सो जैन। तो जिनकी आज्ञा को मानने के लिए जिनकी आज्ञा का तो पता होना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है। भक्ति तो खूब करे, अरे पिताजी को बिठा के उनकी आरती उतारना, बैठो यहीं चुपचाप शांति से, हिलना नहीं है कि बेटा मैं तेरे को आज्ञा दे रहा हूँ, तेरे को मालूम है क्या कह रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। आप क्या कह रहे हो? आपको यहाँ बिल्कुल चुपचाप रहने की कहा गया, चुपचाप सुनो। तो वास्तव में पिताजी का अनुयायी चलाएगा नहीं चलाएगा? पिताजी का अनुयायी होने के लिए उसको पिता की आज्ञा का बोध होना चाहिए, और न केवल बोध होना चाहिए, अभी तो पिता की आज्ञा को मानने वाला होगा तो वो पितृभक्त कहलाएगा। ऐसे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को जो मानता है वो जैन है। जिसे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा ही नहीं पता, अरे जैन धर्म का ठिकाना ही नहीं है किसे कहते हैं जैन धर्म, उसे पूछ लो कि क्यों जैन धर्म में किसकी उपासना की जाती है, क्यों की जाती है, जैन धर्म में और अन्य धर्म में क्या अंतर है, जैन धर्म में क्या मुख्य है, क्या कुछ नहीं पता। भाई वीतराग का और विज्ञान का की यहाँ उपासना है, और इसलिए हम वीतरागी की उपासना करते हैं। जैन धर्म में वीतरागता को मुख्यता दी गई है। किसको मुख्यता दी गई है? वीतराग। धर्म भी वही है सच्चा जहाँ राग का अभाव। देव वीतरागी है, गुरु वीतरागता के मार्ग पर चलते हैं, यानी तीनों वीतराग स्वरूप होने से हमारे लिए पूज्य है। तो जैन धर्म तो वीतरागता रूप है। जो जाने की ये है जैन धर्म की महिमा, जैन धर्म की महिमा वीतरागता से, तो जिसे जैन धर्म समझ में आया होगा तो वीतरागता से जो जैन धर्म को मान मानेगा उसे मालूम है जैन धर्म क्या है। तो जो जैन धर्म को बस मैं जैन हूँ तो उससे कोई काम चलने वाला नहीं। इसलिए उन्होंने लिखा कि जिनका भक्त सो जैन, अर्थात जिनकी आज्ञा को माने सो जैन। असली जैन तो वही है। मैं कहता हूँ चाहे कोई किसी कुल में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन यदि वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता है तो जैन। और यदि वो जैन कुल में उत्पन्न होने पर भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को नहीं मानता तो वो नामधारी जैन तो हो सकता है, लेकिन वो वास्तव में सच्चा जैन नहीं। जैन
नाम धारिये, नाम रखा गया लेकिन काम से जाएंगे। तीसरी परिभाषा दी है जिन देव के बताए मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा जय, जिन भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला सच्चा जय। अब इसके बाद में जिन क्या होता है, क्या जिन की परिभाषा, जिन किसे कहते हैं, जिन अर्थात जिन्होंने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता, किसे कहते हैं जिन, जिसने जीता, किसको जीता, मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता। देखो जैन धर्म के भगवान में और दूसरे भगवान में सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि भगवान ने अपने शत्रु अंतरंग में देखे, उन्होंने दुनिया में शत्रु किसी को नहीं माना, बाहरी शत्रु को भी जीता उन्होंने, अपने भीतर के जो शत्रु थे मोह राग द्वेष रूपी भिखारी भाव उनको उन्होंने जीता। सामने वाले को जीतने से बड़ा काम अपने क्रोध और अपने मान पर विजय प्राप्त करना, क्या क्रोध पे विजय पाना कठिन काम है, सामने वाले पे विजय पाना सरल है। गुस्सा आया तो मैं सामने वाले को मार सकता हूँ लेकिन अपने गुस्से को समाप्त करना वीरो का काम है। भगवान ने दूसरे का कुछ नहीं किया, उन्होंने तो अपने स्वयं के विकारी भाव का अभाव किया, उन्होंने किसको जीता, अपने अंतरंग शत्रुओं को जीता। अंतरंग शत्रु कौन है, मोह राग द्वेष। भगवान ने उस क्रोध को जीता और अन्य धर्म में जो भगवान है वो अपने क्रोध को नहीं जीतते, क्रोध तो पूरा प्रदर्शित करते हैं, जिस पे क्रोध उत्पन्न होता है उसकी बूटी काट के हाथ में रख लेते हैं, क्रोध का प्रतीक है ना, और ये तो शांति का प्रतीक, तो शांत मुद्राएं बता रही है कि हमने अपने विकारी भाव को जीता है, तुम्हें जीतना है तो इनको जीतना होगा, दुनिया को जीत नहीं सकते, हमने दुनिया को जीतने का उपाय छोड़ दिया, हमने अपने आप को जीता तो सबको जीत लिया, जिसने अपने आप को नहीं जीता वो इसने किसी को भी नहीं जीता। सबसे कठिन काम क्या है, अपने स्वयं के विकारी भाव का अभाव करना, उसको जीतना, वो काम भगवान ने किया। उन्होंने शत्रु बाहर देखे ही नहीं, उन्होंने शत्रु कोई है ही नहीं, जो असली शत्रु है वो तो अपने विकारी भाव, हम किसको शत्रु माने दुनिया को, अरे दूसरे को शत्रु मानने की जो परिणति है वही अपनी असली शत्रु है क्या? असली शत्रु तो अंदर में छिपे भरे पड़े और हम दुनिया में शत्रु देख रहे हैं, इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा बुरा किया, अरे तुम्हारे को जिसके प्रति क्रोध आ रहा है ना वो क्रोध भाव बुरा है, जिससे तुम घमंड कर रहे हो वो घमंड भाव बुरा है, छल कपट का भाव बुरा है, लालच भाव बुरा है, तो कषाय बुरी है, राग द्वेष भाव बुरे हैं, इसलिए भगवान ने जीता तो कषायों को जीता, राग द्वेष को जीता, मोह को जीता, और इसलिए वो क्या कहलाए जिन, जिन का अर्थ होता है जिसने जीता, किसको जीता, मोह राग द्वेष भाव को जीता। जीता उसका मतलब क्या है, सामने मोह राग द्वेष खड़े थे और उनसे अच्छी फाइटिंग हुई, जीतने का अर्थ क्या, उसका अभाव करना, यही उसका अर्थ है जीतना, मतलब मोह राग द्वेष को जीतने के लिए मोह राग द्वेष का अभाव करना, जीतना हो गया। और किसको जीता उन्होंने, इंद्रियों को जीता, किसको जीता, इंद्रियों, अब इंद्रियों को जीतने के लिए क्या करना, इंद्रियों का अभाव करना है, आंख को जीतना है, आंख को जीतने के लिए क्या करें, आंख खोल डाले, मन को बचा, जीवन जीतने के लिए जीवन काट लो, काम के लिए काम खोल लो, क्या किया जाए इनको जीतने के, इंद्रियों को जीतने का उपाय क्या है, मन को बचा, तो इंद्रियों को जीतने का उपाय है इंद्रियों से काम नहीं लेना, क्या इंद्रियों के वश में नहीं होना, यही इंद्रियों को जीतना, क्या कभी कभी अपने को एक तरकीब अपनानी पड़ती अपने व्यवहार में, उस व्यक्ति से काम नहीं लेने में उसकी हार, समझ लो अपन
अपने को किसी दूसरे गांव जाना है, अपन रेलवे स्टेशन गए और हम रेलवे स्टेशन गए और अपन सामान गाड़ी से उतार के खड़े हुए, पुलिस देखा दूर से, भाई साहब के पास सामान, हम सेठ जी ने बुलाया एक पुली वाले अंदर आओ, कितने पैसे ले साहब 200 रुपये लगे, 200 रुपये चार दागिने दी और 200 रुपये नहीं उठा सकता, उठा तो उठा सकता, उसको मालूम है कि सेठ जी कुछ करने वाले नहीं, उनकी प्रेस्टीज का क्या होगा। अब यदि वो मांग रहा है, हमको दिख रहा है कि इसका पैसे जो है 200 रुपये नहीं है, 100 रुपये है, अब उन्होंने बहुत कहा कि भैया इसके 200 रुपये तो ही होते हैं, इसके तो 100 ही रुपये होते हैं, सेठ जी चलना तो चलो 200 रुपये से 1 रुपये कम नहीं लगेगा। अब सेठ जी को आज करारी हार दिखी, जो सेठ जी 1 रुपया किसी का नहीं छोड़े, अब यहाँ पे दिख रहा है सेठ जी का कोई इसका उपाय नहीं है, उपाय यही है कि भैया इसको साथ में इसको मतलब इससे अपने को 200 रुपये देने पड़े। अब सेठ जी उसको गाली देते हैं कि सब लोग नालायक हो गए हैं, महा नालायक के कूली लोग हो गए, मतलब कितनी गाली दे, और गाली दे के भी उसको 200 रुपये दे रहे हैं, लेकिन सेठ जी अपने मन में हार मान रहे हैं कि जीत मान रहे हैं, सेठ जी जान रहे हैं कि आज अपन हार गए, चारों खाने चित्त हो गए, इस कुली ने आज अपने को इसी मौके पर पटक नहीं दी है, क्योंकि दिख गया इसको कि भाई गाड़ी जाने वाली है थोड़ी देर में, इसलिए अपने से मुंह मांग रहे पैसे मांग रहे हैं 100 रुपये के 200 मांग रहे हैं। अब उसको जीतना हो यदि कुली को तो जीतने का उपाय क्या है, वो सीधा सरल उपाय है उसका, ये सारा सामान अपने हाथ से उठाओ और चार कदम चलते रहो, तब वो खुद 200 रुपये आ जाएगा, मैंने उससे काम नहीं लेने उसको जीतना है और उससे काम लेने में अपनी हार है, उससे जीतने का उपाय उससे ज्यादा माथा पुटी करने का है ही नहीं, उसे कितनी तुम मशक्कत कर लो कुछ नहीं होने वाला, उसका उपाय एक ही है बस, आप उससे कह दो कि भाई तेरी जरूरत नहीं हमको, हम खुद ही अपना सामान उठाने के लिए तो उठाओ तो। फिर देखो जिसको लगता है कि ये काम अपना खुद नहीं कर सकता, इसको मेरी आवश्यकता है, तो उसके हार होनी, और जहाँ उससे हमने काम नहीं लिया तो अपनी जीत, ऐसे इंद्रियों को जीतने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इंद्रियों से काम लेना बंद करने ही उनको जीतना, जब तक हम इंद्रियों से काम लेते रहेंगे तब तक हम हारते रहेंगे। अपने को पाकिस्तान को जीतना हो तो बोलो तुमने क्या व्यवस्था कर रखी है, बोलो साहब पाकिस्तान की CID बहुत अच्छी थी तो हमने उनको अपनी CID में दाखिल कर लिया, भैया जिसको जीतना है उसी के आदमी तुमने अंदर भर रखे हैं, जैसे कभी भी हार हो सकती है। पाकिस्तान को जीतने के लिए पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को भरोसा किया जा सकता है, पाकिस्तान में किसी आदमी से काम लिया जा सकता है, वो कितना ही अच्छा हो, लाख अच्छा हो कि उसमें बहुत योग्यता है, ये है वो है, भैया जिसको जीतना है उससे काम नहीं लिया जाता, उसको काम में लेना बंद करना पड़ता है। जैसे तुम्हें जीतना है इंद्रियों को, तो तुम इंद्रियों की मदद से इंद्रियों को जीतना चाहते हो, कैसे संभव हो, इंद्रियों की मदद लेना बंद करोगे तो इंद्रियां जीतने में आएगी, और जब तक इंद्रियों से काम लेते रहोगे, इंद्रियों की मदद लेते रहोगे, तब तक इंद्रियों से नहीं जीतोगे, इंद्रियों की गुलामी में ही रहोगे। तो भगवान जी ने क्या किया, देखो अनंत अवस्था होती है ना, अनंत अवस्था में विराजमान है भगवान, समझ लो साक्षात समोषण में तीर्थंकर परमेश्वर विराजमान, अपन कल्पना कर सकते हैं अभी है नहीं, भले ये समझ लीजिए विराजमान है, तो वो अब आंखें उनकी खुली, कान भी खुले, नाक खुली, जीवान खुली, ठीक है, स्पर्श इंद्रिय यही सिखाते, और आंख खुली है वो आंख से देख रहे, आंख के द्वारा देख रहे, कान के द्वारा सुन रहे, जय जयकार हो रही है, जीवान के द्वारा जो भी कुछ चीज है कोई कुछ चीज का खा, ठंडी गर्मी हवा का सेवन कर, सुगंध दुर्गंध को सुन रहे, क्या कर रहे हैं उससे, मैंने वो अपने 5 इंद्रियों के द्वारा जान रहे हैं कि केवल ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं, किसके द्वारा जान, केवल ज्ञान के द्वारा जान, इंद्रियों को नहीं जान, इंद्रियां हैं लेकिन इंद्रियों से काम नहीं है, इंद्रियां तो अच्छी मौजूद है, आँख है वज्र की, आँख खुली है लेकिन आँख से नहीं देख रहे, कान खुले हैं कान से नहीं सुन रहे, कैसे सुन रहे देख रहे, अपने ज्ञान से देख रहे, अपने ज्ञान से केवल सामने की चीज नहीं देख रहे, पूरा लोकल लोग देख रहे, आंख से देखते होते तो सामने की दिखती,
लेकिन अपने केवल ज्ञान से देखते हैं तो थोड़ा लोका लोक उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। क्या एक कुछ एक शब्द नहीं सुन रहे, पूरे लोका लोक के अनंत काल में जो कुछ भी शब्द हुआ है वो सबको सुन रहे, समस्त वस्तुओं के रस को जान रहे, समस्त वस्तुओं की गंध को जान रहे, तीनों काल में जो जो उद्गम के अंदर अवस्थाएं हुई हो रही है और होगी उन सब अवस्थाओं को जानते, समस्त उद्गम की तीनों काल की अवस्थाओं को एक साथ एक समय में जानते, जानते इंद्रियों से नहीं जानते, केवल ज्ञान से जानते। इंद्रियां तो है, इंद्रियों से वो काम नहीं लेते, जो इंद्रियों से काम नहीं लेता उसका ज्ञान गुलामी से रहित हो जाता है। इंद्रियों से जो काम रहता है तो इंद्रियों का गुलाम बना रहता है, और जो इंद्रियों से काम लेना बंद कर देता है तो इंद्रियों की गुलामी मिट जाती है और बिना इंद्रियों के संपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, केवल ज्ञान, जिसको इंद्रियों की सहायता की जरूरत ही नहीं। ये तो अपनी कमजोरी है कि अपने ज्ञान को इन इंद्रियों की मदद लेना पड़ रही है और हम उनके पराधीन बने हुए हैं, हम उन इंद्रिय विषयों के गुलाम बने हुए हैं। वास्तव में तो ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है जो बिना इंद्रियों के समस्त विषयों को जान, तो ऐसी सामर्थ्य किसके प्रकट होती है, जो उस इंद्रिय विषयों की गुलामी को जीतता है, उसको छोड़ता है, उसके ऐसा ज्ञान प्रकट होता है कि सहज में उसके तीन लोक तीन काल उसके ज्ञान में झलकता है। हम कितनी छोटी छोटी चीज़ों में संतुष्ट है, एक रसगुल्ला सुबह पत्नी ने बना दिया तो बहुत बढ़िया पत्नी, स्वर्ग में भी ऐसी पत्नी, एक रसगुल्ले के लिए अपन बहुत कुछ सब कुछ नहीं चाह, एक जरा सा रस होता है, जरा सा रस एक पानी का पता चाह उसके लिए ये 10 मिनट लाइन में लग सकता है, जुआ जल्दी कर सकता है, लड़ सकता है, कपड़े खराब कर सकता है, वो कितनी देर का स्वाद है उसका, स्वाद कितनी देर का, एक समय से दूसरे समय नहीं, क्षण भर का, क्या करें। इस जीव की इतनी इंद्रिय गुलामी है कि आप कुछ कल्पना नहीं कर सकते, इस इंद्रिय गुलामी के चक्कर में त्रियंज जीव अपने प्राण तक गवा देते हैं। एक एक इंद्रिय के गुलाम को उदाहरण बताए तो पतंगा जो है रूप को देखने के लिए अग्नि में घुस जाता है, जल जाएगा, रूप देखना छोड़ना मंजूर नहीं, रूप तो देखूंगा तो जल जाएगा, जल जाएगा, जल जाएगा, जलना मंजूर है, मतलब आप सोचो इंद्रिय विषय की पीड़ा उसको सहन नहीं होती, मछली को रसना इंद्रिय की पीड़ा सहन नहीं होती, कुछ भी चीज डालो तो उसके चक्कर में भले ही जाल में फंस जाए, मछुआरे पकड़ ले, मर जाए, लेकिन जाए भवरा गंध के चक्कर में वो कमल के फूल में बंद होके मर जाता है, लेकिन वो गंध को नहीं छोड़ पाता, कमल का फूल मुरझाता है, उसी के अंदर वो पैक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो सुबह तक मर जाता है। अब चाहे तो कमल जो है वो भोरा है, कमल की कोमल पंखुड़ी को छेदने में उसको कितनी देर लगेगी, एक सेकंड छेद नहीं पाता, क्यों नहीं छेद पाता, तो उसी गंध छोड़ने में समर्थ है। जो लकड़ी छेद सकता है भोरा, वो इतनी सी कोमल कमल की पंखुड़ी क्यों छेद नहीं पाया, क्योंकि उसकी गंध में इतना आसक्त था कि वो उसे छेदते नहीं बने, मर गया उसको, मौत मंजूर है लेकिन गंध नहीं छोड़ सकता। तो एक एक इंद्रिय विषयों के गुलामों की जब ये दशा है, जब पांचों इंद्रिय के विषय की गुलाम उनकी क्या दशा हो, तो इसलिए जिनका इंद्रिय विषयों के ऊपर जो जिनकी इंद्रिय विषयों की गुलामी है वो अत्यंत तुच्छ ज्ञान में ही संतुष्ट रहते हैं, और थोड़े समय तक वो इंद्रिया भी मिलती है 2-3-4-5, बाकी तो कालांतर में वो अकेली एक इंद्रिय रह जाती है, चार इंद्रिय का ज्ञान नियम से चल ही जाता है, क्योंकि 5 इंद्रिय बना, 4 इंद्रिय बना, 3 इंद्रिय बना, 2 इंद्रिय बना, ये बहुत कम काल के लिए मिलता है, जीव का अनंत काल एक इंद्रिय में रह जाती है। तो बाकी 4 इंद्रिय का ज्ञान तो बहुत कम समय में मिला, आप जागते रहे बहुत मजे ले रहे हो खाने पीने के, परंतु ये तो इस काल में उन इंद्रियों की गुलामी छोड़ने का अवसर था, और हम और अपने को आपको उसका गुलाम बना दें। अरे अपनी ज्ञान की सामर्थ्य तो पहचानो कि क्या सामर्थ्य है, इतने इतने से रस में, इतनी इतनी सी गंध में, और अपने पूरे ज्ञान को, मैंने पूरे ज्ञान को गुलाम करने के लिए तैयार, पूरे ज्ञान की बर्बादी करने को तैयार, बर्बादी है ना ज्ञान की, तो इंद्रियों का गुलाम होना, इंद्रिय विषयों का। तो भगवान जिन्होंने क्या किया,
तो उन्होंने उन पांच इंद्रिय के विषयों को जीत लिया, मैंने इन्होंने इंद्रियों से काम ही नहीं लिया, उन्होंने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान का जो है अवलंबन लिया और अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति करके केवल ज्ञान पद की प्राप्ति की। इंद्रियों का अवलंबन छोड़ दिया, आत्मा का अवलंबन लिया, ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवलंबन लिया, उसके बल से उन्होंने अतीन्द्रिय पद की प्राप्ति कर ली। अतीन्द्रिय पद की माने इंद्रियों से जानना, इंद्रियों की सहायता बंद हो गई, इंद्रियों का जो पराधीनता थी वो समाप्त होकर और सीधे आत्मा के द्वारा समस्त लोकालोक को जानने लगे। इसलिए कहा उन्होंने इंद्रियों से काम लेना बंद किया, इस प्रकार से इंद्रियों को जीता और भगवान बने। तो इंद्रियों को जीतना क्यों है, इंद्रियों क्यों जीतना, इंद्रियों तो अच्छी है, ये रसना इंद्रियों को जीतने की जरूरत क्या, इसलिए अच्छा अच्छा अपने को खाने पीने को मिलता है, इसको जीतने की क्या जरूरत है, क्यों, वो हमारी कोई शत्रु तो ही नहीं है, वो तो हमको ज्ञान कराने में सहायक है। अरे अपन सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, कान से ही तो सुन रहे हैं, नाक से सुनते हैं, जीवान से चखते हैं, तो ये जिनवाणी भी तो कान से ही सुन रहे हैं। आप कह रहे हो इंद्रियों को जीतना है, तो कान इतना काम का है और आपको इसको जीतना है, ये कान को जीत लेंगे तो सुनाई भी नहीं देगा, तो फिर ये जिनवाणी का अवलंबन लिए बिना मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा, तो इंद्रिया शत्रु है क्या, प्रश्न है, क्या वे हमारी शत्रु है, वे तो ज्ञान में सहायक है, कि भैया वे वास्तव में ज्ञान में सहायक नहीं, ज्ञान तो अपना स्वयं का स्वभाव, चलने की ताकत आदमी में स्वयं में हो और वो लाठी लेके चले और कहे कि लाठी मेरे को बहुत सहायक है, लाठी सहायक है, तेरे खुद में चलने की ताकत है, लाठी लेके तेरे को चलना पड़ता है, ये तेरी कमजोरी, ऐसे जीव को इंद्रियों की इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ता है, ये उसकी पराधीनता है, कमजोरी है, वास्तव में ज्ञान तो उसका स्वयं का, इंद्रियां यदि ज्ञान उत्पन्न करती हो तो हम कह सकते हैं कि इंद्रियां हमारे को ज्ञान में सहायक है, लेकिन वास्तव में इंद्रियां ज्ञान उत्पन्न नहीं करती, ज्ञान तो जीव का स्वयं का है, बल्कि इंद्रियों के माध्यम से तो वो पराधीन होता, जो ज्ञान स्वयं का था वो उसको किसी अन्य की जरूरत पड़ती है, ये उसकी पराधीनता है, परावलंबन है, ये तो गुलामी है, इसलिए कहते हैं इसलिए हमको जीतना है। दूसरी बात, ये इंद्रियां अपने को भोगों में उलझाने में सहायक है, क्या ये इंद्रियां जितना अपने को समझ लो तत्व ज्ञान कराती है वो तो कम ज्ञान कराती है, लेकिन वस्तुतः ये अपने को भोगों में उलझाने में नहीं, क्योंकि इसके इसके निमित्त से हम कुछ विषयों के जानने में इतने उलझ जाते हैं कि अपने मूल स्वरूप को, आत्मस्वरूप को भूल ही जाते हैं, उसको भी जानना है ये हमें खबर भी नहीं पड़ती, इसलिए कहते हैं कि हमारी सहायक नहीं है, अपितु इंद्रियों के विषयों में उलझाने में वो निमित्त है, इसलिए वो इंद्रिय विषयों में उलझाती है, हमें गुलाम बनाती है, इसलिए हमें उसको जीतना। अब प्रश्न कि इंद्रिय कहते किसे हैं, तो देखो इसमें परिभाषा दी, तो दो परिभाषा इसकी, एक और है, एक तो इंद्रति इति आत्मा और दूसरी यह दी है जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है उसे इंद्रियां कहते हैं। क्या दी परिभाषा, जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है उसका नाम क्या है, इंद्रियां। ये सब अपने क्या है, जीवन शरीर का है ना, शरीर के चिन्ह ही नहीं, शरीर के अंग हैं जीवन, नाक, कान। अब इससे क्या है कि इससे ये ख्याल में आता है कि कोई चैतन्य आत्मा अंदर में विद्यमान विराजमान, आंख के मूवमेंट से, शब्दों से, क्या जीवन से पता चलता है कि अंदर में कोई चैतन्य आत्मा विद्यमान। तो ये जो चिन्ह है ये किसकी प्रतीति करा रहे हैं अपने को, अंदर में आत्मा की प्रतीति करा रहे हैं। तो ये जो जो भी शरीर के चिन्ह हैं, शरीर के अव्यय हैं जिन्हें हम इंद्रियां कह रहे हैं, वो आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक, इस अपेक्षा से हमने उन्हें क्या कहा, इंद्रिया। और ऐसे कितने हैं, ये पाँच है, शरीर के चिन्ह पाँच है, बनाएंगे इस पर भी, पाँच इंद्रियाँ हैं जो आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है। माने इससे ये ख्याल मिलता है कि अंदर में कोई चैतन्य तत्व अवश्य विद्यमान, उसकी एक्टिविटी से तो पता चलता है लोक में, अपने शरीर के हलन चलन से, उसके अंग प्रत्यंग से अपने ज्ञान होता है कि अंदर में कोई जरूर जीव विद्यमान। दूसरी परिभाषा इंद्रिय की, इंद्रति इति इंद्रति इति इंद्री, इंद्रति मतलब
जो अपनी अपनी स्वयं अहमिंद्र है, मैंने जो स्वयं ऐसा उन्हें जैसे इंद्र होता है ना, इंद्र के ऊपर कोई नहीं होता, ऐसे ही एक इंद्री दूसरे इंद्री की पराधीनता नहीं करती। प्रत्येक इंद्री का विषय अपना अपना स्वयं का स्वाधीन होता है। मैंने जीवांत को रस का ज्ञान करना है तो उसके लिए कान अच्छा होना जरूरी नहीं है, आंख को अच्छा होना जरूरी नहीं है। हर एक इंद्री अपनी अपनी स्वाधीनता से अपना अपना काम करती है, मैंने उसको किसी अन्य इंद्री की पराधीनता नहीं है। तो ये सब अपनी अपनी स्वयं की अहमिंद्र है। अहमिंद्र होता है ना, अहमिंद्र माने मैं स्वयं इंद्र हूँ, न मेरे ऊपर है कोई न मेरे नीचे। ऐसे प्रत्येक इंद्री अपने अपने कार्य में स्वतंत्र है, न उसको किसी अन्य इंद्री की आवश्यकता लेनी पड़ती है, न अन्य इंद्रियों को उस इंद्री की आवश्यकता लेनी पड़ती है। और हर इंद्री अपना अपना काम करती है, दूसरे इंद्री का काम नहीं करती। जैसे आँख है, आँख रूप ही जान पाएगी, रस का ज्ञान नहीं कराएगी। जीवान है वो रस का ज्ञान करा सकती है, रूप का ज्ञान नहीं कराएगी। नाक है वो गंध दुर्गंध सुगंध दुर्गंध का ज्ञान करा सकती है, लेकिन वो उसका रूप क्या है, उसका रस क्या है, वो ज्ञान नहीं करा सकती। मतलब हर इंद्री अपना अपना स्वतंत्र काम करती है। अभी देखो ये हाथ है, ये हाथ से मैं छू के यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि चिकना है कि कड़ा कड़क है। ठंडी गर्मी का हाथ से ज्ञान कर सकता हूँ, लेकिन वो जिसका ज्ञान किया अपने ठंडी गर्मी का, अब वो मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है कि कशायला है, वो हाथ नहीं बता सकता। उसके लिए अपने को जीवांत पे लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सब पांचों इंद्रियां बिल्कुल अपनी इंडिपेंडेंट है, अपनी अपनी स्वतंत्र है, कोई किसी के अंदर दखल अंदाजी नहीं करती। इसलिए भी इनका नाम क्या है, इंद्रिय। तो दो कारणों से इंद्रिय नाम पड़ा है। क्या क्या, एक तो परिभाषा क्या थी, जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक है वे इंद्रिय है। दूसरी परिभाषा क्या है, जो स्वयं अहमिंद्र के समान कार्य करती है, अर्थात अन्य किसी इंद्रिय की पराधीनता नहीं रखती, इसलिए उसे हम इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय माने इंद्रती, इंद्रती माने इंद्र जैसा काम करे, कोई दूसरे की पराधीनता नहीं करे, दूसरे को पराधीन नहीं करे, उसका नाम क्या है, इंद्रिय। कितनी है ये इंद्रियां, पांच, कुल पांच है। सबके पांच होती है कि पांच से कम भी हो सकती है, पांच तो मैक्सिमम है, मतलब कुल इंद्रियां पांच है। हम सबके पांच इंद्रिय, ऐसे भी जीव है जिनके पांच से भी कम इंद्रियां। अरे कौन कौन सी ये पांच इंद्रियां, इनके नाम है देखो, सरल है तो सबको याद होगा, किस किस को याद होता है पांच इंद्रियों के नाम, चलो बताओ। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये क्रम याद रखना। ये क्रम का कारण ये है कि यदि किसी के एक इंद्रिय होगी, जो एक इंद्रिय जीव है, तो उसके सबसे पहली स्पर्शन इंद्रिय होगी। दो इंद्रिय जीव है तो उसकी कौन कौन सी होगी, स्पर्शन और रसना। तीन इंद्रिय है तो स्पर्शन रसना घ्राण, चार इंद्रिय है तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, पांच इंद्रिय एक क्रम से मिलती है, इसलिए एक क्रम है। ऐसा नहीं होगा कि कोई सी भी तीन इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय है तो नियम से उसके शुरू की तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय है तो शुरू की दो इंद्रिय, चार इंद्रिय है तो शुरू की चार। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हिसाब, तो ये जो क्रम है उस क्रम से इंद्रिया मिलती है। तो कौन कौन सी हुई है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु पांच इंद्रिय। सबसे पहली स्पर्शन इंद्रिय, इसका क्या काम है, परिभाषा दी इसमें, जिससे छू जाने पर हल्के भारी रूखे चिकने कड़े नरम ठंडे गरम, इनका ज्ञान, आठ चीज़ों का ज्ञान कराती है। किन आठ चीज़ों का, एक तो हल्का भारी का, अपन हाथ में लेते कोई चीज़ पता चलते ना हल्की है कि भारी है, किसने जाना, ये स्पर्श में रूखी है चिकनी है कड़ी कड़क है कि नरम है ठंडी है कि गरम है, स्पर्शन इंद्री आठ चीजों का ज्ञान करती है। और ये आठों चीज स्पर्श, स्पर्श के आठ विषय, हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गर्म, तो स्पर्शन इंद्री इन आठ चीजों को जानती है। इसलिए कहा उन्होंने, जिससे छू जाने पर हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडे गर्म का ज्ञान, ये चार पेयर है एक्चुअल। अब ज्ञान होगा तो एक का ही ज्ञान होगा, ठंडे का ज्ञान होगा गर्म का नहीं होगा, हल्के का होगा तो भारी का नहीं होगा,
पेयर है ये चार चीजें, इन चार में से किसी एक, आठ में से किसी चार का ज्ञान होगा। तो ये तो हो गई स्पर्श इंद्रिय। इसके बाद में है रसना इंद्रिय। किसे कहते हैं रसना इंद्रिय? मोटे रूप में अपन कहते हैं जीभ को। और स्पर्श इंद्रिय किसको कहते हैं? स्पर्श इंद्रिय पूरे शरीर में व्याप्त है। पांव को भी ठंडी गर्मी लगती है, सर को भी लगती है, हाथ को भी लगती है। स्पर्श इंद्रिय तो पूरे शरीर में व्याप्त है, अखंड है, पूरी व्याप्त है। और रसना इंद्रिय का एक क्षेत्र इतना सी है, बहुत छोटी सी, लेकिन ये काम बहुत छोटे करते हैं। इसके दो काम है जैसे, एक तो बोलने का और एक खाने का। तो दोनों में संयम नहीं हो तो दोनों ही काम खतरनाक हो सकते हैं। दोनों तूफान मचाने वाला है। बोलने में कुछ बोल सकती है, खाने में कुछ खा सकती। यहाँ तो अपन रसना इंद्रिय जब ज्ञान की तरफ से बात है तो इसलिए पांच इसके ज्ञान की तरफ से बात की कि जिससे चखने पर, मैंने जिससे चखने पर पांच प्रकार की चीजों का ज्ञान होता है। किन पांच का? खट्टे, मीठे, कड़वा, कषायवा और चाय। ये पांच प्रकार के रस होते हैं। क्या जिससे खट्टे, मीठे, कड़वे, कषायले, चरपड़े, इन स्वाद का ज्ञान होता है। चरपड़े में आया खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपड़ा स्वाद का ज्ञान जिसके द्वारा होता है वो क्या है? रस नहीं। खट्टा मालूम है सबको, खट्टा की, मीठा मालूम, कड़वा करेला, चरपड़ा जब तीखा होता है ना मिर्ची तो चरपड़ी है, और कषायला होता है आंवला जैसा होता है ना आंवला, कषायला अलग चाहिए और कड़वा अलग चाहिए। करेला कड़वा है और नींबू कड़वा नहीं है, कषायला है, एसिडिटी रहती है, एसिड आम्ल जैसा स्वाद आता है वो कषायले। तो पांच प्रकार के रस का ज्ञान जिसके द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? रसना इंद्रिय। स्पर्शन के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है, रसना इंद्रिय के द्वारा रस का, पांच प्रकार के रस का। और घ्राण इंद्रिय किसे कहते हैं? जैसे तो ये नाक, मैंने जिससे सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है। इसके दो ही भेद किए, सुगंध और दुर्गंध। गंध अच्छी है और बुरी है, इसके अलावा तीसरी तरह की नहीं है, अच्छी भी और बुरी नहीं होती, दोनों नहीं है। जिससे सुगंध का और दुर्गंध का ज्ञान होता है उसका नाम क्या है? घ्राण इंद्रिय। चौथी चक्षु इंद्रिय। आँख के लिए कितने चक्षु माने आँख, जिससे काला, नीला, पीला, लाल और सफेद आदि रंगों का ज्ञान होता है। मूल में रंग पांच माने अपना झंडा भी पांच रंग का होता है। झंडा देखा होगा ना आपको, जैन धर्म का झंडा, उसमें पांच रंग है। अगर मैं पांच ही रंग माने, जो लोग कहते सात रंग, तो पांच के कॉम्बिनेशन से सात बनाए, और सात ही क्यों, कितने बना? क्या घर पुतवाना हो कभी तो पेंटर के जाना, पेंटिंग पेंट वाले की दुकान पे जाना, आपको हजारों तरह की वैरायटी मिल जाएगी। तो कॉम्बिनेशन से कितने बना लो आप, पर्पल, येलो, क्या 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 ग्रे, नहीं क्या नाम है, नहीं मूल कलर तो पांच ही है, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद, बस इन पांच से बना होगा। ठीक है, इसके बाद में कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय हम कहते हैं कान को, जिससे हम सुनते हैं। हम इसके भी भेद कर सकते हैं, इससे पांच प्रकार के स्वर होते हैं, पांच प्रकार के या सात प्रकार के, सात प्रकार के शब्दों का ज्ञान होता है, सात प्रकार की चीजों का। बाकी हम मोटे रूप में कहेंगे जिससे हम सुनते हैं वो कर्ण इंद्रिय। ठीक है, सात प्रकार के स्वर होते हैं वो सब संगीत के हैं, सारे के वो पता नहीं, सब नहीं अलग है, ईशा, सड़ा, गंधर्व, ऐसे भेद है उसके, मेरे को याद नहीं है सारे के सारे, ये सात तरह के अलग। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है, कर्ण इंद्रिय के द्वारा शब्दों का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? कर्ण इंद्रिय के द्वारा शब्दों। अब इसमें दिया आपने जो बात की थी कि एक इंद्रिय के कौन सी इंद्रिय है? स्पर्श। तीन इंद्रिय के? स्पर्श, चार इंद्रिय के? निकल जाएगा। फिर इसके बाद में एक इंद्रिय जीव कौन कौन है उनके भेद की। एक इंद्रिय जीव पांच प्रकार के, पृथ्वी काई, जल काई, अग्नि काई, वायु काई। मैंने पृथ्वी ही है काया जिसकी, ऐसा जो जीव, पृथ्वी है शरीर जिसका,
ये सब पृथ्वी का ही। जल है शरीर जिसका, वो जल का ही। अग्नि है शरीर जिसका, अग्नि का ही। ऐसे वायु है शरीर जिसका, वनस्पति है शरीर जिसका, वायु का ही। पांच डिफरेंट वेराइटी है ना, पांचों अलग अलग है, जल अलग है, अग्नि अलग है, इसलिए पांच प्रकार भेद किए, क्योंकि पांचों प्रकार के शरीर अलग अलग प्रकार, इसलिए पांच काया वाले। त्रस के लिए एक ही त्रस काय कहते हैं, और स्थावरों में पांच काय आए, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय, ये सब एक जीव के पांच भेद। फिर वनस्पति के दो भेद किए यहाँ पे, एक प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति माने जिसमें एक शरीर का एक स्वर, और साधारण एक शरीर के अनंत जीव स्वर। जैसे अपने उदाहरण दिया इसके लिए, क्या उदाहरण दिया था याद है किसने? अरे आलू तो साधारण वनस्पति का ही उदाहरण दे दिया कि उसमें साधारण वनस्पति है, लेकिन साधारण प्रत्येक को समझने के लिए एक उदाहरण दिया। ट्रेन का उदाहरण दिया ना, किसी को याद नहीं है? जनरल डिब्बा और रिजर्व डिब्बा, जनरल बोगी और रिजर्व बोगी, एक सीट के हजार मालिक, एक सीट का एक मालिक। जैसे एक शरीर के अंदर अनंत जीव रहे, वो है साधारण, माने उनका एक साथ जन्म हुआ, एक साथ मरण हुआ, एक साथ आहार लिया, एक साथ श्वास होती, क्योंकि शरीर एक ही है, और शरीर में जीव अनंत है। एक शरीर उत्पन्न हुआ, होने को एक शरीर उत्पन्न हुआ, लेकिन जीव कितने उत्पन्न हुए? अनंत। और मरा एक शरीर, लेकिन कितने जीव मरे? अनंत। मैंने वो अनंत के अनंत जीव एक ही बॉडी को शेयर कर, एक ही शरीर। क्या ये नई चीजें है थोड़ी, जिन लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी? साधारण शरीर मैंने एक शरीर के अनंत जीव मालिक। अभी कई लोगों को कल्पना करने में बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि अपन जो है एक शरीर के एक मालिक है। हर जीव जो अपने को दिखता है सामान्य रूप में एक शरीर का एक स्वामी दिखता है, तो अब वो ऐसी कल्पना ही बड़ा मुश्किल पड़ती है, एक शरीर के अनंत स्वामी हो सकते हैं? इसी के ही तो नाम साधारण वनस्पति है, कि वहाँ रहता है शरीर एक, लेकिन उसके स्वामी कितने हैं? अनंत जीव। और सबका साधारण होना, सबका काम समान है, समान ही जीवन, समान जन्म लेते हैं समान रूप से, साथ साथ मरते हैं साथ साथ, एक श्वास लेता है, कितने श्वास लेते हैं? अनंत। एक खाता है, मतलब शरीर ने तो एक नहीं खाया, लेकिन कितनों ने खाया? वो अनंत ने खाया। एक की पर्याप्त, एक ने श्वासोच्छ्वास किया, एक ने मरण किया, एक ने किया, जो एक का काम है वो सबका, इसका नाम है साधारण वनस्पति। निगोद जिसका दूसरा नाम, साधारण वनस्पति का दूसरा नाम है निगोद। जैसे कई लोग जो प्रश्न करते हैं निगोद कहाँ है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वनस्पति में तो ये नाम भी उसका, भाई ये वनस्पति का एक है, और वनस्पति का एक जो साधारण वनस्पति का एक है उसका नाम है निगोद, जहाँ एक शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं। और प्रत्येक तो बहुत, प्रत्येक में तो कोई दिक्कत ही, एक शरीर का एक स्वामी। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, इनमें साधारण प्रत्येक का भेद नहीं, ये सब क्या है? सब प्रत्येक, इनके अंदर एक शरीर का एक ही स्वामी। किन किन में? पृथ्वी में, जल में, अग्नि में और वायु का है। इनके दो भेद हैं, दो भेद केवल वनस्पति के साधारण होते। ऐसे ही दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, ये भी सब प्रत्येक ही है, एक शरीर का एक ही स्वामी, इनमें भी साधारण प्रत्येक भेद। साधारण प्रत्येक केवल एक वनस्पति का एक ही वेराइटी है बस, और उसमें एक साधारण से हम निगोद हुआ, इतना बड़ा अनंत जीव का दर्शन। क्योंकि बाकी जो जीव है, मतलब बाकी जो शरीर है वो तो असंख्यात है, संसार में शरीर असंख्यात है, तो जीव अनंत है, तो जीव बनते कैसे अनंत? तो वो साधारण शरीर ऐसा है जिसके एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, इसलिए संसार में जीव राशि अनंत है, अन्यथा शरीर अनंत नहीं है। लोकाकाश प्रमाण जो स्थान है असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश स्थान में शरीर तो असंख्यात ही है, लेकिन एक शरीर में अनंत जीव होने से जीव राशि कितनी है? अनंत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनमें एक शरीर का एक स्वामी। पृथ्वी का क्या? पृथ्वी जिसका शरीर, जैसे जो पत्थर होता है ना खदान के अंदर अपने आप बढ़ता रहता है, वो पृथ्वी का एक, वो अलग तरह की मिट्टी, मिट्टी भी जो
कोमल मिट्टी होती है उसको भी पत्रिका ही माना है, लेकिन मोटा सबसे बढ़िया उदाहरण है पत्थर जो बढ़ रहा है खदान के अंदर पत्रिका ही, और जल का एक बहता हुआ जल। इस प्रकार से मोटे मोटे रूप में ये पांच प्रकार की चीजें हैं, ये जीव है एक इंद्रिय जीव, अग्नि है एक इंद्रिय जीव, वायु है एक इंद्रिय जीव, वनस्पति एक इंद्रिय जीव, जल एक इंद्रिय जीव। अग्नि का है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु अब कोई कहते ना अब माने जल, आपका नाम है जल, अब कहो चाहे जल कहो एक ही बात, कहीं कहीं आपको अब भी मिल सकता है तेज का एक भी मिल जाएगा, तेज का एक का मतलब है अग्नि का एक और अब का मतलब है जल, कहाँ याद कर लिया आपका कठिन चीजें याद कर लियो, जल याद नहीं पहली डाल याद नहीं इसके बाद में अभी दो इंद्रिय जीव कौन कौन है उसके लिए उदाहरण दिए, तो अपने दो इंद्रिय जीव को पहचानने के लिए बहुत बढ़िया चिन्ह दिया था, क्या दिया था बता, जो रेंग के चलते हैं इसे रेंग रेंग छाती के बल धीरे धीरे छोटे छोटे वो क्या है दो ही, जैसे लट है एक ही लट के अलावा वो गिंडोला है केचुआ है अथवा शंख है, ये सब दो इंद्र जीव के वही लट लट के थे, ये सब नाम दिए ना लट शंख शीप केचुआ जोंक आदि ये सब दो इंद्र जीव, और तीन इंद्र जीव, तीन इंद्रिय जीव के लिए भी अपने लक्षण बताया था क्या है तीन इंद्रिय जीव का लक्षण, जो पांव से ऐसे धक भर के चले जैसे चींटी होती है ना दौड़ के चलती है फटाफट, वो केचुआ जो जो गिंडोला होता है वो ऐसे सरक सरक के चलता है, और चींटी जो है फटाफट पांव से चलती है, चींटी है चाहे वो मकोड़ा हो खटमल हो ये सब पांव के बल से छोटे छोटे ढक, आप तो मनुष्य को भी दो इंद्रिय बना तीन इंद्रिय बना देते, वो मनुष्य बड़ा है तो छोटे छोटे की बात कर रहे हैं, ये तो वो अभी इन्होंने कहा ना तो सड़क के चलता है छाती के बल, तो सांप भी है, सांप तो इतना बड़ा है कहाँ सांप का गिंडोला, छोटे छोटे की बात कर रहे हैं, तो छोटे छोटे में लक्षण घटा रहे क्या, और चार इंद्री का लक्षण तो तीन इंद्री के उदाहरण क्या है, चीटी है खटमल लीक जू बिच्छू मकोड़ा ये सब तीन इंद्री जी, और ये बहुत सारे हो सकते हैं, चार इंद्रिय जीव जो उड़ते हैं, उड़ते हैं छोटे छोटे तो फिर वो तोता बिना में चले जाएंगे, छोटे छोटे जो जीव उड़ते हैं मच्छर है मक्खी है डांस है पतंगा है मधुमक्खी है भौरा है ये सब काय में आते हैं, चार जो उड़ते हैं वो चार, आज तृतीय रखते हैं, अब कल हम पढ़ेंगे पंचेंद्र जी कौन है और कौन बड़ा है छोटा है सब चर्चा अभी जल एक इंद्रिय जीव है तो पीते हैं अपन।